नमस्कार, मैं प्रिया, पटना न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं पटना की 11 फटाफट खबरों को। राज्यपाल ने महाशिवरात्रि की दी बधाई, तो वहीं सुख शांति और समृद्धि की कामना। महाशिवरात्रि को लेकर आज पूरा बिहार भगवान भोले की आराधना में सराबोर नजर आने वाला है। वहीं महाशिवरात्रि को लेकर बिहार के राजनीतिक दलों की तरफ से भी बधाइयां देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में राज्यपाल फागू चौहान ने महाशिवरात्रि के मौके पर बिहारवासियों को और देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी है, जिसके तहत ही उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि महाशिवरात्रि के अवसर पर भगवान शिव की विशेष पूजा की जाती है। इस दिन रात में जब तक जप और ध्यान आदि करने का विशेष महत्व है। ये त्यौहार हमें भक्ति और साधना के अंतर को ऊर्जावान्वित कर शिव संकल्प लेने का संदेश देता है। पटना के सभी प्रखंडों में बनाया जाएगा स्टेडियम। राजधानी पटना के सभी प्रखंडों में स्टेडियम बनाने की तैयारी हो रही है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खेल विकास योजना के अंतर्गत राज्य के विभिन्न जिलों के अधीन प्रखंड स्तर पर स्टेडियम निर्माण को लेकर 353 स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति दी जा चुकी है। हालांकि यह स्वीकृति 2008 में दी गई थी, जिसमें से अब तक 165 स्टेडियम का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। 67 स्टेडियम का निर्माण कार्य जारी है। वहीं 121 स्टेडियम का निर्माण जल्द शुरू होने की उम्मीद है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि राज्य की प्रतिभा को संरक्षित करने और सूबे से पलायन को रोकने के लिए सरकार बहुत गंभीर है। पीएमसीएच के डॉक्टरों के क्रेडिट कार्ड से जालसाजों ने उड़ाए इतने हजार रुपए। इन दिनों साइबर अपराधियों का आतंक काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। बिहार में तो बीते कुछ महीने से मामलों में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में बीते दिन साइबर अपराधियों का शिकार पीएमसीएच के शिशु विभाग के डॉक्टर आशुतोष कुमार मिश्र बन गए। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार कुमार मिश्र के क्रेडिट कार्ड से 99,485 रुपए अपराधियों ने उड़ा दिए हैं, जिसके बाद डॉक्टर ने बैंक में शिकायत दर्ज करवाई और पीर बहोर थाने में FIR दर्ज करवाई गई है, जिसके बाद ही पुलिस मामले में जुटी हुई है। ली मार्शल आर्ट के गौरव और आयुष को मिला पदक। ली मार्शल आर्ट में पटना के गौरव कुमार और आयुष कुमार गुप्ता ने अपने नाम स्वर्ण पदक और रजत पदक किया है। मिली जानकारी के अनुसार ली मार्शल आर्ट में पटना के आयुष कुमार गुप्ता ने पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय अंतर महाविद्यालय कराटे प्रतियोगिता में पुरुष वर्ग में 55 किलो भार में ही रजत पदक प्राप्त किया है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें, दूसरे प्रतिभागी गौरव कुमार ने पुरुष वर्ग के 84 किलो भार में स्वर्ण पदक प्राप्त करके अपने लिए मार्शल आर्ट एकेडमी का नाम रोशन किया है। ज्ञात हो कि 25 से 26 फरवरी तक BEd कॉलेज मीठापुर में कार्यक्रम का आयोजन करवाया गया था, जिसमें उन्होंने ये पदक हासिल किया है। महाशिवरात्रि पर सुरक्षा के होंगे पुख्ता इंतजाम। आज महाशिवरात्रि के मौके पर राजधानी पटना में मंदिरों के बाहर भक्तजनों की काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिलने वाली है। यही कारण है कि महाशिवरात्रि के मौके पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी करने को लेकर के बीते दिन से ही तैयारियां तेज कर दी गई थी, जिसके बाद ही राजधानी पटना के सभी बड़े शिव मंदिरों के पास पुलिस को तैनात किया गया है। भीड़ वाले इलाकों में स्थानीय थाने की पुलिस अपने स्तर से नजर रखने वाली है। मंदिरों के आसपास गश्त व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रहेगी। पुलिस लाइन से अतिरिक्त बल के अलग अलग इलाके में तैनात किए गए हैं। पटना हाईकोर्ट ने दिया बियाडा को भूमि आवंटन से संबंधित निर्देश। बीते दिन पटना हाईकोर्ट ने बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी को जरूरी दिशा निर्देश जारी किया है, जिसके तहत हाईकोर्ट ने अथॉरिटी को भूमि आवंटन से संबंधित 139 यूनिट के लंबित मामलों पर जल्द से जल्द निर्णय लेने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि बियाडा की तरफ से 494 यूनिट का करार रद्द किया गया था। मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश एस कुमार की खंडपीठ ने उमेश सर्विसिंग सेंटर और आने के मामले पर सुनवाई करते हुए ये आदेश जारी किया है। उमेश सर्विंग सेंटर और अन्य के मामले पर सुनवाई करते हुए ये आदेश जारी किया है, जिसके बाद अगली सुनवाई 2 सप्ताह के बाद होने की उम्मीद है। पटना के राजीव नगर चौराहे पर जाम से मचा त्राहिमाम। बीते दिन राजीव नगर चौराहे पर सड़क जाम के कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि यह जाम सिर्फ एक दिन की बात नहीं है, बल्कि हर दिन सड़क जाम का मंजर देखने को मिलता है। वहीं बीते दिन की बात करें तो पटना के राजीव नगर चौराहे पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। जाम से परेशान लोग आपस में ही उलझे हुए नजर आए। हालांकि बहुत देर तक जाम की समस्या में लोग फंसते हुए दिखाई दिए। परेशानी की बात यह भी थी कि ना तो वहां पर ट्रैफिक पुलिस थी और ना ही वहां पर थाना पुलिस थे, जिसके कारण वाहन चालक आपस में ही भिड़ते हुए भी कई बार नजर आए थे। मुख्यमंत्री के जन्मदिन को लेकर राजधानी पटना में लगाए गए पोस्टर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज अपना 71वां जन्मदिन मनाएंगे। वहीं आज उनके जन्मदिन को लेकर बिहार जदयू कार्यालय में भी बीते दिन से ही खूब सारी तैयारियां देखने को मिली, जिसके तहत ही एक तो राजधानी पटना सीएम नीतीश के जन्मदिन के पोस्टर से पटा नजर आया, जिसके तहत जदयू कार्यालय के बाहर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जन्मदिन को लेकर ढेर सारे पोस्टर लगाए गए थे। वहीं पटना के प्रमुख चौक चौराहे पर भी जन्मदिन को लेकर पोस्टर देखने को मिला।
राष्ट्रीय विज्ञान विकास के मौके पर पटना में आयोजित हुआ कार्यक्रम। बीते दिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के मौके पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन तारामंडल सभागार में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बिहार सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री सुमित कुमार सिंह पहुंचे थे। वहीं कार्यक्रम में राज्य के सभी जिलों से आए जिला स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता के प्रथम स्थान प्राप्त प्रति जिला 2 मेधावी छात्र छात्राओं, शिक्षकों और अभिभावकों ने हिस्सा लिया था। राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रथम स्थान प्राप्त प्रति छात्र को 1500 रुपए नगद राशि, प्रशस्ति पत्र और मेडल दिया गया। साथ ही राष्ट्रीय गणित दिवस कार्यक्रम के प्रथम स्थान प्राप्त 3 छात्रों को लैपटॉप देकर पुरस्कृत भी किया गया। पटना में सैलरी को लेकर शिक्षकों ने किया प्रदर्शन। अपने लंबित एरियर भुगतान और समय पर वेतन भुगतान की मांग को लेकर बीते दिन सभी नियोजित शिक्षकों ने बीईपी कार्यालय के बाहर धरना दिया। इस दौरान नियोजित शिक्षक संघ गोप गुट के नेतृत्व में धरने पर बैठे टीईटी, एसटीईटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों ने कहा कि सभी जिलों में स्थानीय निकायों में नियुक्ति शिक्षकों को ससमय वेतन भुगतान का अभाव और एरियर भुगतान में वर्षों से विलंब सहित अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इससे शिक्षकों में भारी आक्रोश है। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 47,100 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 51,300 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 62,200 रुपए था। इसके साथ ही राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 105.93 रुपए प्रति लीटर और डीजल के दाम 91.09 रुपए प्रति लीटर थे। वहीं अगर आज हम तापमान की बात करें तो अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस वहीं न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस देखने को मिला। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जन्मदिन के मौके पर आपने कॉमेंट करके हमें ये बताए कि क्या आपके अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जन्मदिन पर आप हमें कॉमेंट करके ये बताएं कि क्या उनकी योजनाएं बिहार में रंग लाई है या नहीं। अपने जवाब हमें जरूर लिखें। इसके साथ ही पटना की बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।